नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। मसूबकरण सहायक आचार्य EFM, आज हम BCOM पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकंड बिजनेस बजटिंग में व्यावसायिक बजटन में यूनिट संख्या थर्ड में स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड एंड वेरिएंस एनालिसिस का अध्ययन करेंगे, परमाप लागत विधि एवं वितरण विश्लेषण। ये आपके यूनिट संख्या थर्ड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 100% आता है, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है। आपने ये चैप्टर BCOM पार्ट सेकंड ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत भी आपने पढ़ा है और ट्वेल्थ क्लास में भी आपने इस चैप्टर का अध्ययन किया है कि वेरिएंस किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। मुख्यतः हम बात करें यहाँ पर परमाप लागत विधि। परमाप का मतलब यहाँ पर मापना होता है। परमाप लागत विधि का हम बात करें कि परमाप लागत विधि से तात्पर्य उन लागतों से है जो सामान्य स्थितियों में किसी विशिष्ट उत्पादन प्रक्रिया में खर्च की जानी चाहिए, वो क्या कहलाती है? परमाप लागत कहलाती है। परमाप लागत विधि में वेरिएंस हम ज्ञात करेंगे तो विभिन्न मेथडों के माध्यम से हम इसको ज्ञात करते हैं। परमाप लागत विधि एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी करती हैं, एक प्रकार से ये प्रबंधकीय तकनीक भी होती हैं। इसमें अपन परमापों का निर्धारण किया जाता है, उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है और इसके आधार पर हम इसको तैयार भी करते हैं। परमाप लागत विधि के मूल्यांकन के अंतर्गत हम वेरिएंस का नियंत्रण करते हैं। उसमें बजट में सहायक उत्पादन लागत में किस प्रकार से करना है, निष्पादन अभिप्रेरणा व स्कंद मूल्यांकन या मूल्य निर्धारण में किस प्रकार सहायक भूमिका होती है। तो इस प्रकार परमाप लागत विधि विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषण है। इसमें हम अध्ययन करेंगे तीन मेथड्स का कि परमाप लागत निर्धारण विधि किस प्रकार से हम ज्ञात करें। तो इसमें तीन मेथड्स आते हैं। लागत वितरण भी इसको अपन कहते हैं, लागत वितरण। लागत वितरण में सम्मिलित किया गया है पहला सामग्री लागत वितरण, दूसरा श्रम लागत वितरण, तीसरा उपरिवेह लागत, अगला बिक्री वीस लागत वितरण भी सम्मिलित है। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जो पूछते हैं सामग्री लागत वितरण, अधिकतर इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। सामान्यतः श्रम लागत और उपरिवेह लागत वितरण से संबंधित भी प्रश्न अधिकतर पूछ लेते हैं। अब हम बात करें महत्वपूर्ण जो बिंदु है, टॉपिक है सामग्री लागत वितरण। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को दो भागों में यहाँ बांटा गया है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इसको अपन MCV भी कहते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस मटेरियल यूजेज वेरिएंस को पुनः दो भागों में बांटा गया है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसमें मटेरियल सब वेरिएंस भी सम्मिलित किए हैं। इसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं MPV, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस और मटेरियल
मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये वेरिएंस मुख्यतया अनुकूल व प्रतिकूल आधार पे एनालिसिस इसका किया जाता है, अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा, फेवरेबल या फिर एडवर्स। एक शून्य बताया जिसमें वास्तविक परिणाम दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो उसके आधार। तो सामग्री लागत विचरण में मटेरियल से संबंधित विभिन्न प्रकार के वेरिएंस को सम्मिलित किया गया है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसमें प्राइस को आधार मान के इस वेरिएंस की गणना की जाती है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस में मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस को शामिल किया गया है। अब इनकी हम सूत्रों की बात करें कि सामग्री लागत विचरण किस प्रकार ज्ञात करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। अगर आपके फॉर्मूले समझ में आए तो आसानी से आप इन प्रश्नों का हल कर सकेंगे। तो शॉर्ट में लिखेंगे यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम कैसे ज्ञात करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट बराबर एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट को कैसे ज्ञात करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ये अपनी क्या आ गई, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। पूर्ण रूप से हम इसको कैलकुलेट करें, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ये आपके प्रश्न में दे रखा होगा कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी क्या है। इस आधार पे हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की गणना आसानी से कर सकते हैं, जो कि 5 नंबर का आपके एग्ज़ाम में इसका प्रश्न आता ही आता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो अधिकतर पूछते ही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस प्रतिकूल भी हो सकता है और अनुकूल भी हो सकता है, दोनों स्थिति है। प्रतिकूल होगा वो अपने फेवर में होगा, अनुकूल होगा अपने एडवर्स में होगा। तो इस प्रकार स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल क्वांटिटी घटा, एक्चुअल कॉस्ट घटा देंगे। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं दे रखा है तो अपन स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट बराबर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। दूसरे फॉर्मूले की हम बात करें यहाँ पर सामग्री से संबंधित मटेरियल यूजेज वेरिएंस की, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने दे रखो गए, एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी, इसमें घटा के स्टैंडर्ड प्राइस को गुणा कर देंगे। तो इस आधार पे हम मटेरियल यूजेज वेरिएंस की गणना आसानी से हम कर सकते हैं। इस प्रकार दोनों विचरण के आधार पे हम अनुकूल प्रतिकूल स्थिति का चित्रण भी आसानी से किया जा सकता है। तो सामग्री लागत विचरण के आधार पे या इसी के अनुरूप ही हम इससे संबंधित प्रश्न का हल आसानी से हम कर सकते हैं, जिसमें हमने आज पढ़ा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस किस आधार पे हम ज्ञात करते हैं। तो इसी आधार पे हम बात करें लेबर कॉस्ट वेरिएंस की, तो यहाँ पर मटेरियल जो दे रखा है यहाँ पर एल का यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पर LCV LSC माइनस LAC LSC एक लेबर स्टैंडर्ड कॉस्ट बराबर लेबर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू लेबर स्टैंडर्ड प्राइस, लेबर एक्चुअल कॉस्ट बराबर लेबर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू लेबर एक्चुअल प्राइस। सामूहिक रूप से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की हम गणना करेंगे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की जगह है LCV याद करेंगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस बराबर लेबर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू लेबर
स्टैंडर्ड प्राइस माइनस लेबर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू लेबर एक्चुअल प्राइस। इसी आधार पे मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस की के आधार पे हम गणना करेंगे। जैसा कि हम एक काल्पनिक प्रश्न भी लें कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस हमें ज्ञात करना है, तो जैसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपनी 2 है, स्टैंडर्ड प्राइस 3 है, एक्चुअल क्वांटिटी 3 है और एक्चुअल प्राइस 2 है, तो इसके आधार पे हम इसको तैयार ज्ञात कर सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी में बताया 2 इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 3 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 3 इनटू एक्चुअल प्राइस 2, तो यहाँ पर 6 माइनस है, तो ये जीरो वेरिएंस हो गया। जीरो वेरिएंस के आधार पे भी हो गया, क्योंकि इसमें न तो एडवर्ब है, न अनुकूल है, न प्रतिकूल है। अगर यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस हम कर दें GR, बाकी ये रहे तो 4, 8, 2, तो ये अपने क्या हो गया, प्रतिकूल स्थिति में हो गया। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी ज्ञात इस प्रकार से किया जा सकता है। इसी आधार पे मटेरियल यूजेज वेरिएंस की गणना कर सकते हैं। मटेरियल यूजेज वेरिएंस बराबर, जैसा कि सूत्र ने दे रखा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इसमें मुख्यतया मटेरियल यूजेज वेरिएंस हम ज्ञात करें तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपनी 2 माइनस दो माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 3 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 4, तो माइनस 1 इंटू 4 बराबर माइनस के 4। ये अपने प्रतिकूल अनुकूल दोनों स्थिति में नहीं है, तो दोबारा एक उदाहरण के रूप में हम इसको समझें। मटेरियल यूजेज वेरिएंस को स्टैंडर्ड क्वांटिटी मान के चलते हैं 20, एक्चुअल क्वांटिटी 10 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 3, तो 10 माइनस 10 इंटू 3 बराबर 30, तो ये अपने प्रतिकूल स्थिति में, ये मटेरियल यूजेज वेरिएंस के आधार पे इनको गणना अपन आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार सामग्री लागत विचरण से संबंधित प्रश्न यूनिट संख्या 3 में बिजनेस बजटिंग के अंतर्गत अधिकतर प्रश्नों को पूछा जाता है, जो आपके ऐसे ही हम ओवरहेड लागत की बात करें तो ओवरहेड को भी हम इसी ऊपरी लागत को भी इस आधार पर ज्ञात कर लेंगे, बिक्री लागत को भी इस आधार पर ज्ञात कर लेंगे। इस आधार पर अपन परमाप लागत विधि के माध्यम से विभिन्न वेरिएंस को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कई बार अपने से क्वेश्चन में स्टैंडर्ड कॉस्ट भी ज्ञात करनी होती है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इस आधार पर ज्ञात कर लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट इस फॉर्मूले के आधार पर आसानी से अपन तैयार कर सकते हैं। इससे संबंधित प्रश्नों का हम अगले वीडियो में या फिर अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही उपयोगी महत्वपूर्ण होंगे क्वेश्चन। उससे संबंधित प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे, जो कि वेरिएंस से संबंधित प्रश्न हैं। इससे संबंधित प्रश्नों की हम और चर्चा करें, जो कि मुख्यतया आसानी से हम हल कर सकते हैं, वो प्रश्न आपको प्रैक्टिकल में, असेसमेंट में, क्लास के माध्यम से हम आपको देंगे, जिसे आसानी से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इस प्रकार ये बहुत इजी चैप्टर है सामग्री लागत विचरण। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में विभिन्न आयामों को या विभिन्न सूत्रों के माध्यम से इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल जब कॉस्ट वेरिएंस ज्ञात करते हैं तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस को जोड़ करके मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का एनालिसिस किया जा सकता है, और इसी के आधार पर मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस की गणना भी अपन कर सकते हैं। तो इस आधार पर आसानी से हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो सामग्री लागत विचरण से संबंधित प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं, जो कि
एग्ज़ाम की दृष्टि से भी आपके लिए उपयोगी होगा, इससे संबंधित प्रश्न भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेबर से संबंधित वेरिएंस कौन कौन से हैं और ऊपरी लागत से संबंधित वेरिएंस कौन कौन से हैं, बिक्री लागत से संबंधित वेरिएंस कौन कौन से हैं। तो चारों वेरिएंस का एक सामूहिक मैंने आपको एक शॉर्ट तरीके रूप से आज हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस का हमने सूत्र के माध्यम से अध्ययन किया। इस प्रकार बिजनेस बजटिंग के अंदर यूनिट थर्ड में आपके प्रमाप लागत विधि बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको समझने में आसानी होगी और आसानी से इसके प्रश्न का भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच।